नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रेत का कारोबार करने वाले वंशिका ग्रुप के कर्मचारियों की गुंडागर्दी। शहडोल में रेत कारोबारी व स्थानीय लोगों के बीच मारपीट का एक बड़ा मामला शहडोल के बुढ़ार थाने में सामने आया। बुढ़ार पुलिस ने पिता पुत्र की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट जैसी अन्य धाराओं के तहत मामला कायम किया है, तो वहीं दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए एक पक्षीय कार्यवाही का आरोप लगाया है और मामले की पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। वहीं एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोग बाइक सवार 2 लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं। शहडोल जिले में रेत खदानों का वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा ठेका लिया गया है। रेत कारोबारी वंशिका ग्रुप के कर्मचारियों व बुढ़ार थाना क्षेत्र के स्थानीय लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसकी शिकायत पिता जनार्दन बरगाही थाने में शिकायत की है कि वंशिका ग्रुप के कर्मचारियों ने देर रात रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर वंशिका ग्रुप के 8 लोगों के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट की अन्य धाराओं के तहत मामला कायम कर दिया, तो वहीं दूसरे पक्ष वंशिका ग्रुप के लोगों ने पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए एक पक्षीय कार्यवाही का आरोप लगाया है और मामले की पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। वहीं एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोग बाइक सवार 2 लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में वंशिका ग्रुप के GM मुरारी कटारे ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि स्थानीय कुछ लोगों द्वारा रेत की चोरी कर परिवहन किया जाता है, मना करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, जिसके इस तरह की मारपीट की घटना घटित हुई है। बुढ़ार पुलिस की शह पर रेत चोरी का काम चल रहा है, जिसके चलते एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए हमारे कर्मचारियों पर मामला कायम कर दिया है। शहडोल से अविनाश शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। वो भी उसी के समर्थक में लगता है, उसके गुरुबाग में तो रिलायंस के बर्बी प्रेस पहने नहीं। गाड़ी तो यही है, चले गई गाड़ी। गिर गया भाई, पड़े दोनों ये मारा ठोकर मारे, ये आगे ठोकर मारने के बाद ये अब ये मोरे पल्ला भगत रहा, ठोकर मारने का आगे नहीं आया। हां हां, आगे तो ठोक मार क्यों दी बार ये असर दम पर ये पिताजी हैं, वो गाड़ी में चला दी और मैं झोला धरे हूं यार, ये पकड़ लीजिए मुझे ये ये अपनी
वंश का ग्रुप के कुछ कर्मचारियों पे मामला कायम हुआ है मारपीट का, क्या मामला है सर, क्या घटनाक्रम? थाना बुढ़ार में परसों रात में घटना घटी है, करीब 12:30 के आसपास। एक सरजू बरगाही नाम का व्यक्ति है जो ठंडा टोला में रहता है, और वो अपने पिता को लेने अमलाई चौक में बुढ़ार बाइक से रात में आ रहा था, क्योंकि उसके पिता जो है CCL में काम करते हैं। तो अपने पिता को लेने वो बाइक से आ रहा था अपने दोस्त के साथ में, तो उसके साथ में कुछ एक गाड़ी वालों ने ओवरटेक किया उसको, और ओवरटेक करने के बाद उसको अमलाई चौक पर बुढ़ार में उसको ओवरटेक करने के बाद उसके साथ मारपीट की है। और ये घटना घटने के बाद दोनों पक्षों ने आवेदन थाने पर दिया था, और दोनों पक्षों का आवेदन थाने पर प्राप्त होने के बाद CCTV फुटेज और तमाम चीज़ों की जांच करने के पश्चात में थाना बुढ़ार में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और इस अपराध में 147, 148, 341, 506, 294 धाराओं लगी है, और 8 आरोपी के विरुद्ध इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। अभी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, आरोपियों के नाम स्पष्ट हो गए हैं, अभी गिरफ्तारी के लिए पार्टी गई है। परसों रात को जो घटना हुई थी मारपीट की घटना जो सामने आई है, इसमें आपका क्या आरोप है दूसरे पक्ष के लिए? दूसरे पक्ष के लिए हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। हमलावर 30-35 लड़के थे, उन लोगों ने हमारे 8-10 लड़कों पर हमला किया, जो कि हमारे लड़के DAV नाके पर थे। हमला करने वाले दो लड़के, उनकी बाइक वगैरह मालूम नहीं पंचर हो गई क्या हो गया, दो लड़के वहाँ पर रह गए थे। उन लड़कों को पकड़ के हमारे लड़कों ने 100 डायल को फ़ोन करके उनके हवाले कर दिया। थाने में लेके पहुँचे 100 वाले उन लड़कों को, तो बुला थाने द्वारा हमारे लड़कों से कोई आवेदन नहीं लिया गया, ना हमारे लड़कों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गाली गलौज किया इन लोगों ने। उन लोगों को पार्टी बना के हमारे लड़कों के खिलाफ में FIR कार्रवाई की, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लोग शासन को राशि देते हैं, चोरी करने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। वो लोग तो 30-35 लड़के चिल्ला के बोल रहे थे कि आप लोग क्या करोगे, हमारी गाड़ियों को नहीं रोक पाओगे, हम बड़ा थाने को नारे किए हुए हैं, पैसा देते, इस तरह का कहा भी है उन लोगों ने चिल्ला कर। आपने शिकायत कहीं दिया? हाँ, शिकायत मैंने SP महोदय को दिया है, DSP महोदय को दिया, और भी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो देंगे। वैसे हमको SP महोदय कलेक्टर साहब का सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग कर रहे हैं, ये न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा थाने से हम लोग सहयोग की स्थिति में नहीं है, अभी हमारा सहयोग नहीं किया जा रहा है।